हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजी मोम सोलन। तो गाइस, आज आप सभी के साथ में शाम किस टाइम से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, क्योंकि कल भी गाइस मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मैं गई थी हॉस्पिटल। और गाइस, आज भी मैंने शाम के टाइम से ही ब्लॉग शुरू किया है। गाइस, एक बार दोबारा से मैं आपके हाथ कोई घर का ब्लॉग या कुछ भी शायद पता नहीं क्या बना पाऊँगी, कोई पता नहीं है, क्योंकि मूड बहुत ऑफ है। क्योंकि गाइस ऐसे हैं कि मैं इतनी मुसीबत के साथ गुजर रही है मेरी लाइफ, फिर भी मैं हंसती मुस्कुराती रहती हूँ और मेरे हंसने का राज एक भगवान ही है जिसका मैं आसरा करती हूँ, और हारे का सहारा खाटू श्याम जी और मेरे लड्डू गोपाल, मेरे वृंदावन के कृष्ण मुरारी जी उनका आसरा है, और मेरे जो कुल देवी है ज्वाला माता जी उनका आसरा है मुझे, और जो हमारे कुल देवता जी उनका आसरा है। और गाइस, मैं कल हॉस्पिटल गई थी, मुझे बहुत धक्का पहुंचा कल। मैं कल शाम को भी रोई, दिन को भी रोई, फिर मैंने दोबारा से अपने आप को दोबारा मैंने कितनी बार बोल दी है गाइज, ऐसे ही है, मैं बिन मतलब की बात बोल देती हूँ, तो सॉरी। तो गाइज, मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करूँगी, तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। और मेरी सर्जरी के लिए बोला है डॉक्टर ने, और आप सोचेंगे कि मैं हंस के बता रही हूँ, तो गाइज कोई बात नहीं, जैसे हमारे कर्म होते हैं ना वैसे ही हमारे को भुगतने पड़ते हैं। तो पहले भी मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका है मेरे हेल्थ को लेके। मैं हमेशा अपने आप को बहुत फिट रखने की कोशिश करती हूँ, पर जो किस्मत में है वो होके ही रहता है। तो गाइज, मैं अभी आपके साथ काम तो क्या दिखाऊँ, और अभी मैंने कपड़े धोए हैं, झाड़ू लगाया राजीव के कमरे में शाम के मतलब 5 बजे के पहले जब राजीव आया था तब झाड़ू लगाया था, और बर्तन खूब सारे धोने को है, वो भी अभी धोने को है। राजीव पानी लाने जा रहा है, ये एक केनी पानी के लाएगा, और अच्छा चले गए नहीं तो मैं बैक कैमरे से आपको बताने लगी थी। तो गाइज, अभी देखना इतने सारे कपड़े मैंने कल परसों धोए थे, तो मतलब ऐसे ही रखे हुए यहाँ पे, मतलब बेड के ऊपर रख गई थी मैं कपड़े वगैरह सारे यहाँ पे, तो ऐसे ही तेल गाने को। और कल भी मैं रोती रोती ही सो गई थी, रात को 10 बजे खाना बनाया। और गाइज, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है कब मेरी आँख बंद हो जाए, कब मैं भगवान के पास चली जाऊँ, कोई पता नहीं है। क्योंकि डॉक्टर ने, मैं सच बोल रही हूँ, अभी मेरे पास रिपोर्टें भी है, अल्ट्रासाउंड भी हुआ है, तो मुझे सर्जरी के लिए बोला है, मेरे पास अभी कोई इनकम नहीं, कोई नहीं है, पर मैं ये बोलती हूँ भगवान, मुझे जैसे आपने बीमारी दी है तो वैसे आप मुझे प्लीज़ पैसे भी देना, ताकि मैं अपनी हेल्प कर सकूं और अपने आप को मतलब सर्जरी कर सकूं। और गाइज, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। गाइज, आज मेरा मन ना बहुत ऐसा उदास भी हुआ हुआ ना, मेरा मन कर रहा है कि मैं आपसे बहुत सारी बातें करूं, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है कि कब हमारी ज़िंदगी की लाइफ आखिरी रात हो जाए, और कब वहाँ लोगों के लिए न्यूज़ वगैरह हो जाए, कोई पता नहीं होता। तो मैं ऐसा दिल करता कि अपनी जो भी मेरे दिल में कोई बातें हैं तो आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं ये सोचती हूँ, जो ये कर्म आता है ना तो लौट के वापस जरूर आता है। वे लोग, किसी ने मेरे साथ मेरे को ये बात बोली ही जब मेरे पाँव का प्लस्तर हुआ था, कि उसको तो वो तो वहाँ गई हुई अपना प्लस्तर लेके, तो मेरे मायके में फंक्शन हुआ था, तो मैं उस टाइम भी गई थी, तो वो मुझे लेके गए थे मेरे मायके वाले, और प्लस्तर हुआ था तो उनको उठा के ले गए थे। और फिर जो उनके साथ अभी ऐसा ही हुआ है, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कभी किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए। अगर आज मेरे हेल्थ को इश्यू हुआ है तो कोई बात नहीं, हो सकता है जो मेरे बारे में बुरा सोच रहा है या मेरे लिए गलत सोच रहे तो उनके पास ही लौट के आ सकता है। तो बन मैं यही बोलती हूँ, भगवान कभी किसी के साथ बुरा ना करे, खासकर मेरी जैसे महिलाओं के साथ, क्योंकि मैं एक अकेली महिला हूँ, मैंने अपने बच्चों को देखना है, मैंने स्कूल भेजना है, मैंने ऑपरेशन करा के मैं कैसे अपने आप को सेफ रखूँगी, कैसे मैं अपने आपको मतलब देखभाल करूँगी, अपने बच्चों को स्कूल भेजूँगी, ऑपरेशन में हॉस्पिटल में आना जाना मतलब बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि मैं थोड़ा टाइम के लिए, अगर मेरे को ज़्यादा दिक्कत होगी तो मेरे को जल्दी से सर्जरी करानी पड़ेगी,
पर मैं जब तक हो सकेगा तो मैं नहीं कराने की कोशिश करती हूँ। पर ये है कि डॉक्टर ने यही बात बोली कि इसका इलाज जो आपको प्रॉब्लम हुई है तो उसका इलाज ये की है कि ये सर्जरी से ही आपका प्रॉब्लम दूर होगी। तो गाइज मेरा ऐसा मन करता है ना कि आप सभी के साथ बातें करती रहूँ बातें करती रहूँ, पर बस ये है कि लोग ना हमारे भेद खा जाते हैं और रिश्ता बस बगल में छुरी मुंह में राम राम ऐसे करते हैं लोग भेद ले जाते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि हर एक महिला को एक एक पैसा जोड़ना चाहिए। क्या पता उनके साथ क्या घटना घट जाए, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। पर भगवान जी बस आपसे मैं यही दुआ करती हूँ किसी महिला के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, वो किसी के आश्रय ना होए। जैसे कि मैं भी आज दूसरे के ऊपर डिपेंड हो रही हूँ, सबसे बोल रही हूँ मेरी हेल्प कर दो। बस आप सभी से यही मैं आप अपडेट देना चाहती थी कि मेरी हेल्थ इशू हुआ है मुझे, और घर का काम भी मैं वो अच्छी तरह कर लेती हूँ जैसे मैं पहले करती थी वैसे ही। इस प्रॉब्लम को तो काफ़ी टाइम हो चुका है, शायद हो सकता है 1 साल हो गया होना। मुझे दिक्कत तो बहुत ज़्यादा होती थी पहले भी, पर मैं सोचती थी भी चलो टेस्ट से तो मुझे अब पता चला है ना कि मुझे ये हो बीमारी है। पर पहले तो मुझे ये था कि नहीं लीवर की दिक्कत हो गई या फिर मुझे गैस बनी है ऐसा है। पर ये मैं आपके साथ अभी अभी क्या बताऊँ, बस मैं खुद ही अपने आप को नहीं संभाल पा रही हूँ। ऐसा दिल करता है कि कितना रोऊं, कभी मैं हंस रही हूँ कभी रो रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे मेरी लाइफ के साथ ही भगवान को मेरे साथ ही ऐसा क्यों करना था। तो गाइज आप सभी प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना और लाइक करना शेयर करना। आज मैं आपके साथ कोई ब्लॉग नहीं शेयर कर रही हूँ, सिर्फ आपके साथ मैं अपने दुख और दिल की बातें शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे बातों का मजाक नहीं उड़ाना, और दिल को बहुत ठेस पहुँचती है मेरे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं औरों की तरह मेरा दिल बहुत मजबूत नहीं है और क्योंकि मेरा दिल बहुत साफ है। मैं सच बोल रही हूँ, मेरा दिल बहुत सादी, जब मेरा दिल साफ है ना इसी दिल के साफ होने की वजह से लोगों ने मेरा बहुत फ़ायदा उठाया है, बहुत दिल फायदा उठाया लोगों ने मेरा। कि पर मैं ये बोलती हूँ कि आज के ज़माने में ना ना तो सिर्फ रहना चाहिए ना ही किसी को अपने दिल की बात बताना चाहिए। आजकल दोस्ती होती है जो सहेलियाँ होती है ना औरतों की, वही गले पे छुरियाँ मारती है। ऐसी सहेलियाँ बनाएं जो सोच समझ के बनाएं, जो आपको दिल को आपका भेद ना ले सके, आपके घर की बातें को दूसरों तक शेयर ना कर सके। ज़्यादा इमोशनल हो गई थी मैं, सॉरी। पर ये कि मैं आपके साथ यही बोलती हूँ कि आप प्लीज़ लास्ट में मैं यही बोलूँगी, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा।